हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मेरा नाम है शिव कुमार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आज आपको स्पाइस मनी के रिटेलर आईडी फ्री में देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। वो भी बिल्कुल फ्री कैसे देने वाले हैं, वो भी हम लक्की ड्रॉ करने वाले हैं, 5 देने वाले हैं, 5 फ्री आईडी रिटेलर आईडी देने वाले हैं, यानी कि स्पाइस मनी को कैसे मिलेगा ये आप लोग के हाथ में हमें भी नहीं पता है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के बारे में बात करें तो हम उसमें बोले थे 15 फ्री में रिटेलर आईडी देंगे, तो हम उन दर्शकों को दे चुके हैं जो मेरे पास कॉल किए थे और मेरे कमेंट भी किए थे और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किए थे, तो उसको हम दे चुके हैं। और दोस्तों, हम आज आपको विनर बनाने वाले हैं, 5 विनर बनाने वाले स्पाइस मनी के, हम उनको भी देंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फायदा रहेगा, जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन। एक और बात हम आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना तो वो भी हम आपको दे देंगे, वो भी थोड़ा उसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा, उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं कैसे आप। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप कहाँ से रहने वाले हैं, और एक छोटा सा उसमें मैसेज लिखना है, जो सबसे सुंदर मैसेज रहेगा, जो सबसे अच्छा मैसेज लगेगा और उस मैसेज पर भी कमेंट पर भी लाइक मिलेगा, तो हम उन्हीं को भी देने वाले हैं, यानी कि स्पाइस मनी का फ्री रिटेलर आईडी। उसमें हम 5 रिटेलर आईडी देंगे, अब जितना मैसेज आएगा हम उसी में से चुन के देने वाले हैं, यानी कि विनर बनाएंगे, 5 रिटेलर आईडी बनाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि और स्पाइस मनी के बारे में कुछ जानकारी लें तो इसके लिए हम आपको स्क्रीन पर ले चल रहे हैं, उसके लिए हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, उसमें कैसे यूज करना है, कैसे पैसा निकालना है, कैसे ट्रांजेक्शन करना है, कैसे अपने अकाउंट में पैसा भेजना है। तो दोस्तों, इसके लिए बने रहिए और देखिए स्क्रीन। तो दोस्तों, स्क्रीन पर जाने से पहले एक छोटा सा बात और हम आपको बता दें, आपको स्पाइस मनी के रिटेलर आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड और उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड और उसके बाद एक मोबाइल नंबर और उसके बाद एक फ़ोटो और उसके बाद दोस्तों आपके पास एक कैंसिल चेक होना चाहिए। कैंसिल चेक कैसे होता है, एक चेक ले लेना है, उसमें लिख देना है कैंसिल, उसी को बोलता है कैंसिल। एक 50 सेकंड के एक छोटा सा वीडियो बनाना है। वीडियो कैसे बनाना है, जैसे मेरा नाम शिव कुमार है और मेरा घर यहाँ पे है और अपना पिताजी का नाम और उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसके बाद दोस्तों मैं उसमें बोलिएगा लास्ट में, और मैं स्पाइस मनी में काम करना चाहता हूँ, बस इतने ही बोलने के बाद एक आपका वीडियो बन जाएगा जो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को और इतना कागज मेरे पास भेज दीजिएगा तो हम आपको स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी बना देंगे। पे एक मैसेज चल जाएगा जो बन जाएगा, तो आपके रिटेलर आईडी का नंबर जाएगा और उसके बाद आपके ही मोबाइल पे पासवर्ड, आप वहाँ से कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं स्पाइस। तो चलिए स्क्रीन पर आपको बता दे रहे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना स्पाइस मनी का ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा, इस तरह का आपके देखने को मिलेगा। उसके बाद APS विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे हम APS विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज हो जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे मोर्फो डिवाइस का सिलेक्ट करना है, मेरा मोर्फो है तो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे स्टेट बैंक का हमको विड्रॉल करना है। और उसके बाद उसे यहाँ पर आधार नंबर टैप कर देना है, जैसे हम टैप कर दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम टेप कर दे रहे हैं अपना आधार नंबर, यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई सा भी दे सकते हैं, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। और उसमें दोस्तों यहाँ पे अपना अमाउंट डाल देना है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट टू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास इस तरह की एक आएगा स्कैन करने के लिए। देखिए दोस्तों, हम आपको एक स्कैन भी अप कर दे रहे हैं, स्कैन टू विड्रॉल पे आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए मांगेगा, तो यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक हो जाएगा, फिंगर सक्सेसफुल हो गया, तो ये आपका ये देखिए पैसा विड्रॉल हो गया। जैसे मैं इनका पैसा विड्रॉल भी हो गया, इसमें बैलेंस भी दिखाई दे दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस नंबर पे जो हम मोबाइल नंबर डाले थे इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके पास ये पैसा का लिस्ट भी चल जाएगा, कितना विड्रॉल हुआ है, आपके अकाउंट में कितना रुपया ही बचा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्सेस हो गया। तो दोस्तों, और हम चलते हैं कैसे अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, अपना अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना पड़ेगा,
जैसे मेरे अकाउंट में देखिए दोस्तों 32,916 रुपया है, तो इसको हम अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको APS विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे APS विड्रॉल पे, तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है यहाँ पे मूव टू बैंक। जैसे हम मूव टू बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, दो ऑप्शन यहाँ आता है, एक होता है IMPS, एक होता है NEFT। तो दोनों में दोस्तों खास बात ये है, IMPS के मतलब होता है कि इसमें जैसे हम मतलब क्लिक इस पर भेजेंगे तुरंत हैंड टू हैंड मतलब मेरे अकाउंट पर बैलेंस चल जाता है। और निफ्ट के मतलब ये होता है दोस्तों, हम इसमें करेंगे मतलब भेजेंगे तो 24 घंटा के लिए इसमें मतलब चल जाता है, 24 घंटा के अंदर में ही जाता है। हालांकि 24 घंटा में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मतलब 24 घंटा इसमें टाइम दिया जाता है, लेकिन ये 3 घंटा लगभग दिया जाता है, 3 घंटा के अंदर में चल जाता है। यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल्स भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें IMPS के मतलब यहाँ पे आपको 25,000 तक यहाँ पे 5 रुपये काटा जाता है, और 25,000 से ज़्यादा 2,00,000 रुपये तक 10 रुपये काटा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे NEFT के द्वारा भेजते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक 1.5 रुपये काटा जाता है, और उससे अधिक भेजते हैं 2,00,000 रुपये तक आपको यहाँ पे 3 रुपये काटा जाता है। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अमाउंट पे, तो जैसे हम आपको कर रहे हैं अपना अमाउंट ट्रांसफ़र 25,000, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 25,000 टाइप कर देंगे। सर यहाँ पे एक 5 अलग से आगे इसको बैक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे 25,000 रुपया, और इसमें हम IMPS के द्वारा ही भेजेंगे। और मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, जो हम आपको ब्लर कर दे रहे हैं क्योंकि हम अपना अकाउंट नंबर नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ़र आ रहा है 25,000। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे मेरे अकाउंट में ये 25,000 रुपया तुरंत आ जाएगा। हम आपको एक मैसेज भी दिखा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चार्ज भी दिखा दे रहा है, मेरा 5 रुपया काट लेगा, यहाँ पे 5 रुपया काटा जाएगा, और 2,00,000 रुपये तक भेजेंगे तो 10 रुपया काटा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक और क्लिक कर दे रहा है, तो आपको पास से एक और मैसेज इस तरह का आएगा, प्लीज वेट लिख रहा है अभी। देखिए यहाँ पे आपका 25,000 रुपये ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट में ये चल गया, अभी के अभी चल गया। देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे ओके कर देंगे और इसके बाद होम पेज पे आ जाएंगे, तो एक मैसेज भी आ गया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं मैसेज। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैसेज भी आ गया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 25,000 आ गया है। सो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।